आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, इफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, तो हमें ये प्रूव करना है कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा माइनस कॉस अल्फा कॉस बीटा किसके इक्वल है, 3/4 के इक्वल। देखो सबसे पहले क्या गिवन है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 60 डिग्री है। अब इसमें दिख रहा है हमें कॉस में रिलेशन है, तो हम क्या करते हैं इसमें दोनों साइड कॉस ले लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कॉस 60 डिग्री। अब कॉस की अगर एक्सपेंशन करें तो क्या होता है, कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा और साइन बीटा, यही होता है। और कॉस 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। तो अब हम क्या करते हैं, इस साइन अल्फा साइन बीटा को अपोजिट साइड ले जाते हैं, 1/2 को इधर शिफ्ट कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा, कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस 1/2 इक्वल टू साइन अल्फा इंटू साइन बीटा। अब देखो जो प्रूफ करना है उसमें स्क्वायर वाली भी टर्म्स हैं, तो हम क्या करते हैं ये जो इक्वेशन हमारी आई है इसके दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं, तो ये किस फॉर्म में आ गया, a माइनस बी के होल स्क्वायर की फॉर्म में। अगर इस पूरे को a लें और इसे 1/2 को b, तो a माइनस बी होल स्क्वायर बन गया। क्या फॉर्मूला होता है इसका, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो इससे अगर एक्सपैंड करें तो ये क्या बन जाएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा प्लस 1/2 का स्क्वायर विच इज 1/4, फिर माइनस 2 इंटू दिस कॉस अल्फा कॉस बीटा इंटू 1/2, और इधर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा। अब देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा हमारे पास, कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा प्लस 1/4 माइनस कॉस अल्फा कॉस बीटा। अब इसे अगर कॉस में कन्वर्ट करना हो तो क्या रिलेशन होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 के। तो इधर से साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के। अब थीटा की जगह अल्फा और बीटा है, तो यहाँ कन्वर्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा और यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा, तो ये क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर बीटा प्लस 1/4 माइनस कॉस अल्फा कॉस बीटा इक्वल टू, इसे मल्टीप्लाई करें तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, अब यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर बीटा, ये हो जाएगा। अब देखो ये टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी, सेम है दोनों साइड पे। अब बाकी टर्म्स को इधर शिफ्ट करते हैं, कॉस वाली टर्म्स को, तो क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव, तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा ये माइनस है, माइनस कॉस अल्फा कॉस बीटा, और ये 1/4 उधर जाएगा, तो 1 माइनस 1/4 हो जाएगा। अगर एलसीएम लेंगे तो 4 माइनस 1/4 मतलब क्या आ जाएगा, 3/4। इसका मतलब क्या मिल गया हमें, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा माइनस कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा इक्वल टू 3/4। अब देखो क्या प्रूफ करना था, यही शो करना था हमें, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा माइनस कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा इज 3/4, तो ये यहाँ से आ गया, तो इट इज प्रूव्ड। क्लास 6 से 12 से लेके नीट आईआईटी जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।